27 फरवरी को हुए नौहाडीहा बाजार थाना क्षेत्र के तुरकन गांव के जंगल में पुलिस और नक्सली रंजन जी के दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ में पलामू पुलिस और सीआरपीएफ 134 बटालियन के संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को सूचना मिली कि टीएसपीसी नक्सली संगठन के कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर रंजन जी के दस्ते के लगभग 15 से 18 हथियारबंद नक्सली जंगल में है, जिसकी सूचना पाकर पुलिस और सीआरपीएफ 134 के जवानों ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें लगभग पुलिस की ओर से 18 राउंड फायरिंग हुई। वहीं नक्सलियों के द्वारा लगभग 60 राउंड फायरिंग की गई। इसी जवाबी कार्रवाई में नक्सली रंजन को पुलिस की गोली भी लगी और घायल भी हुआ, लेकिन वो फरार हो गया। मुठभेड़ के बाद दो सदस्य सुरेंद्र भुइया और अमरेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अभी तुरकुन के जंगलों में पुलिस जवानों के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल की मैगजीन, AK-47 की 3 बुलेट, AK-47 का 3 खोखा, SLR राइफल का 3 खोखा, वर्दी, पिट्ठू बैग, खाने पीने की वस्तुएं, नक्सली पर्चा और मोबाइल फोन, पावर बैंक समेत कई सामानों को बरामद किया गया है। मामले की जानकारी पलामू SP चंदन सिन्हा ने GN भारत से साझा की है। नौडीहा का जो जंगल है पालहे तारकुनी वगैरह का, वहां पर इनकाउंटर हुआ TPC नक्सलियों के साथ। CRPF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिसमें जैप भी शामिल था, उनकी जॉइंट टीम थी और इस जॉइंट टीम में गोली भी लगी है। हम लोग कन्फर्म हुआ है कि रंजन को गोली लगी है, कि जिसने ट्रीटमेंट किया है वो आदमी खुद ही अरेस्ट हुआ है। वो TPC का रेगुलर जो अपने इलाज करने वाला डॉक्टर है, जिसको बोलते हैं ग्रामीण डॉक्टर, और इसमें रिकवरी जो हुई है वो AK-47 के मैगजीन की हुई है, कुछ गोलियाँ हैं उनके, जो है टेंटेज का सामान, पिट्ठू, एक हेयर क्लिप भी है जो ये कन्फर्म करता है कि दस्ते में लड़की भी थी। पुलिस की ओर से 18 राउंड गोली चली है और उनकी ओर से लगभग 50 राउंड। इंसिडेंट को लेकर ऑपरेशंस अभी तक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। CRPF की कंपनियां प्लस और फोर्सेस, पुलिस फोर्स और ये सब लोग अभी ग्राउंड पे तैनात हैं। सर्चिंग अभियान बिल्कुल मुस्तैदी से चल रहा है। उम्मीद की जाती है निकट भविष्य में कुछ और सुराग मिलने पर हम लोग बहुत जल्दी इन लोगों को पकड़ेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।